आओ भाई, मैं कहाँ हुआ, इधर आओ। अच्छा उधर चले गए। सर ये पत्र मैंने जो आपको दिखाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब आप देख लेंगे। ये पीएमओ का पत्र है किसी के, और सेक्रेटरी रेवेन्यू जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है डिपार्टमेंट, तो ये आप क्या देख रहे हैं? आपने एक आदमी की जान ली, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैटर है। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि आप हमें पोर्टल पे इसकी जानकारी देंगे कि आपने क्या कार्रवाई की। तो कार्रवाई करना, आपने एक आदमी मार दिया, ये बड़ा संवेदनशील होता है। आयो भाई, मैं कहाँ हुआ, इधर आओ। अच्छा उधर चले गए। दरअसल ये पत्र मैंने जो आपको दिखाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब आप देख लेंगे। ये पीएमओ का पत्र है किसी के, और सेक्रेटरी रेवेन्यू जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है डिपार्टमेंट, तो आप क्या देख रहे हैं? आपने एक आदमी की जान ली, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैटर है। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि आप हमें पोर्टल पे इसकी जानकारी देंगे कि आपने क्या कार्रवाई की। तो कार्रवाई करना, आपने एक आदमी मार दिया, ये बड़ा संवेदनशील होता है। ये पूरा मसला क्या था जो आपने डीजी साहब को दिया? दरअसल ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी मौत हो गई। और ये सारा का सारा जो मामला है, जिस तरह से उनके बयानात हैं, जो तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उन्होंने दोषी पाया है, और उन्होंने पूरा दोष उनके सर मढ़ा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आने के बाद पूरा सिस्टम, पूरा व्यापार चौपट हो गया। दूसरा, पार्टी जो कार्यकर्ताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई। जब व्यक्ति ने जहर खा लिया, उनको गेट के बाहर धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो बिंदु है वो इस बात को लेकर के है कि प्रकाश पांडे जी ने 17 अगस्त को पीएमओ कार्यालय को अपना एक पत्र भेजा था, अपना दुख भरी दास्तां उन्होंने लिखी थी। और पीएमओ ने 22 अगस्त को सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखा था पत्र कि इनकी मदद की जाए, इनके जो इनके उस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 4.5 महीने होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 महीने होने के बाद। और जो सेक्रेटरी रेवेन्यू मीन्स आप समझते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है, तो क्या एक विभागीय मुखिया होने के नाते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का क्या दायित्व नहीं बनता था? कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, और एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या उन्होंने की, उन्होंने आत्महत्या करने के उनको विवश होना पड़ा। तो जन समाज मोर्चा ने आज डीजीपी अनिल रतूड़ी जी से मुलाकात करके मांग की है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस मामले में सीधे तौर पर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनके ही कारण जो है सारा का सारा मामला हुआ, और प्रदेश आज जो गर्त में जा रहा है उन्हीं की वजह से जा रहा है। तो उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें देखते हैं, जो भी बन पाएगा वो करेंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी A to Z इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मैं आपसे पहले कहा, ये तो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति ने जहर खाया उस व्यक्ति को इन्होंने गेट के बाहर निकाल दिया, ये क्या किसी की मदद करेंगे? बड़ा दुर्भाग्य, अगर ये मदद करना चाहते तो उस व्यक्ति की देखिए कितनी खुददारी थी। उस व्यक्ति ने कहा था मुझे आपसे सरकारी मदद नहीं चाहिए, सिर्फ जो मेरा पैसा सरकारी विभागों में फंसा है उसको आप निकलवा दीजिए। लेकिन इतनी संवेदनहीनता भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते मैं समझता हूँ इनकी कोई पकड़ नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज एक तरह से बिल्कुल एक क्या फ्लॉप्स हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश का। ठीक है।